हमारी आजादी पर कोई फिल्म बने और वहां पर शहीद आजम भगत सिंह का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और खुद भगत सिंह पर काफी ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। हमने देखी होगी अजय देवगन की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बॉबी देओल ने भी एक बनाई थी 23 मार्च 1931 शहीद, एक सोनू सूद की मूवी है जिसका नाम है शहीद आजम, और एक मनोज कुमार साहब की मूवी है शहीद। और अब अगले जो भगत सिंह बनने वाले हैं, जो भगत सिंह के कैरेक्टर में जान डालने वाले हैं, वो हैं रामचरण। लेकिन भगत सिंह के ऊपर जितनी भी फिल्में बनाई, मैं आपको वहां पर एक छोटा सा ऐसा फैक्ट बता दूं जिसके बाद आपको भाई रोना भी आ सकता है। देखिए, एक मूवी आई थी सुकुमार नायर जिसके डायरेक्टर थे शहीद, जो कि रिलीज हुई थी आपकी 2002 31 मई को, और ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। गवर्नमेंट ने बैन तक लगा दिया था इस फिल्म के ऊपर, कि इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं। इसके हीरो थे सोनू सूद, और भाई जिस तरीके से, जिस प्यार से इस मूवी को बनाया गया था, वहां लोगों तक पहुंची नहीं। उसके बाद इसी साल 7 जून 2002 को आती है अगली फिल्म। मिस्टर गुडू बनोन इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने जिद्दी और बिच्छू जैसी फिल्में बनाई हैं। और इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार निभा रहे थे खुद बॉबी देओल। मूवी का नाम था 23 मार्च 1931 शहीद, और यहाँ भी भगत सिंह के बारे में बातें बताई गई थी बहुत सारी। बॉबी देओल का लुक काफी ज्यादा सिमिलर लग भी रहा था अपने असली शहीद आजम भगत सिंह जैसे, लेकिन आपको दुख होगा, ये फिल्म भी भारी फ्लॉप हो गई थी। एंड भैया, इसी दिन 7 जून 2002 को राजकुमार संतोषी भी अपनी फिल्म लेकर आए जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। यानी कि एक दिन दो दो फिल्में रिलीज हुई, दोनों भगत सिंह के ऊपर हुई। और देख कमाल की बात है, अगस्त नहीं जून चल रहा था ये। इस फिल्म का बजट बाकी दोनों फिल्मों से बहुत बड़ा था, 25 करोड़। भाई उस टाइम पे 25 करोड़ लगाने ना बहुत बड़ी बात थी। राजकुमार संतोषी ने 25 करोड़ लगाए और इस मूवी ने कमाए मात्र 12 करोड़ रुपए। ये भी एक बड़े डिजास्टर में बदल गई, यानी कि हमारे शहीद आजम की फिल्में नहीं चल पा रही थी। इसके मुख्य कलाकार यानी कि भगत सिंह में जान डालने वाले थे अजय देवगन। एंड भाई मेरे को बहुत क्लासिक मूवी लगी थी बॉबी देओल वाली भी। और आपको छोटा सा फैक्ट और बता देता हूँ, यहाँ तक आ ही गए हो तो, कि 1965 में भी एक मूवी बनी थी जिसका नाम था शहीद, जिसमें मनोज कुमार भगत सिंह जी बने थे। और उसके बाद उनको समझ आया कि पैट्रियोटिक मूवी बहुत ज्यादा चलती है, तो उन्होंने 1967 में उपकार बनाई अगेन देशभक्ति पर। उन्होंने फिर 1917 बनाई पूरा और पश्चिम, अगेन देशभक्ति के पर। उन्होंने फिर बनाई क्रांति, जो कि सबसे बड़ी एपिक हिट रही 1981। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब रामचरण करने वाले हैं भगत सिंह, और कुछ अलग अंदाज में होने वाला है। बातें वही होंगी, बयान करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि भैया मेरे को उम्मीद है कि दिस इज गोइंग टू बी एपिक, वेटिंग फॉर दिस मूवी। जल्दी से भाई इसको डालो फ्लोर पे और करो इस पर काम, ताकि मजा आवे। और जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है कि भाई भगत सिंह के ऊपर फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, जो कि 3 हो गई थी, वो दाग भी भाई हमें साफ कर रहे हैं। तो जनता, एडवांस में बोल रहा हूँ, प्लीज देख लेना। बाकी अगर इसमें भी साला तुम कह के गए तो नकली आदमी हो तुम। बाकी असली वाले कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ बहुत जल्द नई न्यूज़, नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप स्पीक हो, अलविदा।